वक्त हम बीजेपी की प्रेस वार्ता में आपको ले चलेंगे। इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। इट इज एविडेंट दैट इंसल्टिंग इंडियाज इथॉस, पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग हिंदू गॉड्स एंड क्वेश्चनिंग द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया हैज बिकम द हॉलमार्क ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द इंडिया गठबंधन। और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएमके उनके एलआई है, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए, बाकी उनका मैटर सब ड्यूटी से मुझे टिप्पणी नहीं करने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा है, उन्होंने एक भाषण दिया है, मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता की जय। तमिलनाडु वॉन्ट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, विच इन माई कंसिडर्ड व्यू एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चनेबल जजमेंट, अपील पेंडिंग है आप जानते हैं उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या उन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूर जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं, तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना, राहुल गांधी जय महादेव बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल।
इसलिए इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जितना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं, जो संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है, और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग, कितना समझेंगे? दूसरा सवाल मुझे करना है, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएम का वक्तव्य आया है, यू विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वॉन्ट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम, तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके यूज दिस काइंड ऑफ डेरिवेटरी कमेंट अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ अदर फेथ? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं, और यही तो भारत का संस्कार है। ऋग्वेद में एकम सदैव प्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसके जाने के मार्ग अलग अलग है। तुम अपने मार्ग से जाओ, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि ये सभी एक ही पद पर मिलते हैं जहां मैं परम सत्य, यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, यह हम कहना चाहेंगे। दो बातें और कहनी है। आप अपनी हताशा में मोदी जी को कितना गाली पढ़ेंगे? हर बार पीटते हैं फिर भी नहीं सुधरते, 14 में पीटे, 19 में पीटे, अब की बार सुपड़ा साफ होने की स्थिति बन रही है, फिर भी क्या क्या, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के बारे में किया गया है। वो जो बीबीसी का एक क्या था, मुस्लिम्स वेयर स्लॉटर इन ग्रुप्स, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबको गलत पाया, उसी को रिपीट किया जा रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मैं अपने क्षेत्र से कल रात में ही आया तो लगा कुछ टिप्पणी लालू प्रसाद में भी करना चाहिए, कुछ मैंने पटना में की थी, आज इच्छा है करने की थोड़ा विस्तार से पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर। लालू जी, आपने कहा कि मोदी जी को कोई संतान नहीं है और मोदी जी हिंदू नहीं है, और जब वो कह रहे थे तो अपने पूरे परिवार को मंच पर बैठा करके दिखावा कर रहे थे, याद है ना आपको? उनकी पार्टी के मंच पर कौन बैठता है उनका विषय है, लेकिन दोनों बेटा का हाथ पकड़ के पंचायती दिखा रहे थे। तो लालू जी, आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, यही सिखाया आपने, यही सिखाया आपने कि मेरा सामाजिक न्याय मेरे परिवार का सम्मान है, बस इस सामाजिक न्याय से ढकोसला कुछ हो नहीं सकता। और लालू जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दें हिंदू कौन है कौन नहीं है? तो आपसे पूछ रहा हूं, हिम्मत तो आपको हुई नहीं प्रभु राम का दर्शन करने के निमंत्रण के बावजूद। तो आज जो डीएमके ने कहा है
कि राम इज एन एनिमी, क्या कह रहे हैं आप लालू जी, जवाब दीजिए इसका आप। ये सवाल उन पर भी लागू होता है और इन सभी टिप्पणियों के हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मित्रों मुझे एक अंतिम बात कहनी है इसमें, जिस तरह से मोदी का परिवार ये मुहिम देश में चल पड़ी है, इसकी लोकप्रियता देख करके हम सभी भावुक हैं। कहां कहां से, और सही भी है, जिसका कोई नहीं उसके नरेंद्र मोदी है, ये काम करके दिखाया उन्होंने। कल मैं अपने क्षेत्र में बहुत लाभार्थियों के बीच में घूम रहा था, उनके भाव को मैंने देखा है और बाकी जगह भी देखते हैं। तो मित्रों ये तो बन गया, लेकिन टीएमसी के एक विधायक है रामेंदु सिंह राय, वो तो कमाल की बात की है। एक विधायक का हमको नोटिस नहीं लेना था, लेकिन क्या कहा है, मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं, इमाम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? यह कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है, जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? यह बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोलबेन की खाली काली मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे? ममता जी हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, इसलिए ये जो टिप्पणी की गई है वो देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का अपमान है। कि कोई पिछड़ा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, ये सोच है, सामंतवादी सोच इन लोगों की, और हमें टिप्पणी करते हैं। बस मित्रों मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। इफ एनी क्वेश्चन आर अवेलेबल। हिमांशु रवि जी, पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि यहां पर फेयर। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें इंडी गठबंधन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने